उच्चारण से नहीं आचरण से मनुष्य को ऊंची होना चाहिए। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्यता उससे भी दुर्लभ है। पैदा होने का समय जीवात्मा का न कोई अभ्यास न कोई अभिमान नहीं रहते, नहीं थे भी। माता का संग, लालन पालन, पिता का पोषण, तुष्टि पुष्टि होके वह शिशु बाल बालक किशोर पौगंड नवजुवा और युवक इसका बात युवक और बुढ़ापे का बीच में एक बंदे लोग समझ लो, इसका बात बुढ़ापा, बुढ़ापा का बात जरा और व्याधि को लेकर मौत तक प्राप्त होते हैं। यह तो अवस्था है और यह अवस्था से मनुष्य को ज्ञान के बारे सोचना। ज्ञान क्या है? सत्संगानुमुक्त दुस्संगो। दुस्संग से दूर होने के लिए एक उपाय है सत्संग। दुराचारी को सदाचारी बनने के लिए सत्संग चाहिए। सत्संग में सत्कथा सुनना, सज्जन का गुण को आदर करना अपनाना और दिमाग में सत्य को रखना। सत्यनिष्ठ होना, दयाशील होना, क्षमाशील होना, सहिष्णु होना, ये आदि सदाचार सद्गुण सत्संग से मिलता है। दानशील होना, कृपाशील होना, तो जन्म से कोई बंदे का किसी अभ्यास नहीं था, न अभिमान नहीं था। जैसा संग बैठे गोई ऐसे रंग तन मन होई। पहले संग से वृत्ति, वृत्ति फिर प्रवृत्ति हो जाता है उस काम में ज़्यादा करने से, इसका बात प्रकृति बन जाता है। प्रकृति हम तैयारी करते हैं शरीर में, जो प्रकृति ये पूर्व जन्म का कर्म वासना कर्म का लालसा को लेकर और तृष्णा आशा में फंस कर प्राणी भला बुरा नहीं समझते और समझ कर भी नहीं मान सकते, जानते हैं लेकिन मानते नहीं। इसीलिए हर काम सोच समझ के करना, सदाचारी रहना, सत्संग में रहना, सत को अपनाना, ये
दुर्व्यसन से दूर रहना, सात्विक राजसिक तामसिक तीनों गुण से जितना हो सके सात्विक गुण को अपनाना, सादा जीवन, उच्च विचार करना चाहिए। और राजसिक तामसिक विचार से, राजसिक तामसिक संग से, राजसिक तामसिक कर्म से मनुष्य का पतन होता है। इसीलिए सात्विक गुण को अपना कर रहना, सदाचारी बनना, प्रभु के मार्ग में रहना और प्रभु की भजन स्मरण करना, ये तो मनुष्य के लिए श्रेष्ठ काम है, श्रेष्ठ कार्य है। दुस्संग में मनुष्य धीरे धीरे कलुषित हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, और सत्संग में धीरे धीरे स्वच्छ, निराला, निर्मल हो जाते हैं। निर्मल होने के लिए कोशिश करना, धर्म में मतांतर है लेकिन मनांतर नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं फैलाना चाहिए, कोई जीव को हिंसा नहीं करना, जीव को दया करना चाहिए। और पूजा पाठ, जप तप, संयम, सेवा, दान, त्याग, सहिष्णु, सरलता, रुजुता, क्षमाशील, ये गुण को अपना कर अपना जीवन को सरस, सुंदर, सरल और मजबूत इंसान की तरह बनाना चाहिए। इंसान एक अनमोल जीवन है, विचारशील जीवन है। सम, दम, विचार और साधु संग, ये चार चीज को मैं मेहनत करना, इसको प्राप्त होना, इसको जानना, इसको मानना। शांति गुण, इंद्र में अपना काबू, मन में अपना काबू, भले बुरे विचार और साधु संग, यह है जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग। जय श्री राम, जय राधेश्याम।